हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जायंट। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज़ में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस होता है a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। दूसरा केस होता है a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश। यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, अब ये a और a डैश क्या है, b और b डैश क्या है? अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, तो जो a अपॉन a डैश का जो ये रेशियो है a अपॉन a डैश, ये कुछ नहीं है, ये x की जो कोफिशियंट है x का, उनके कोफिशियंट का रेशियो है। वैसे ही अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देखें y का कोफिशियंट क्या है, b और b डैश, तो ये रेशियो है y के कोफिशियंट का और ये रेशियो है x के कोफिशियंट का। वैसे ही ये रेशियो है आपका x के कोफिशियंट का और ये रेशियो है y के कोफिशियंट का। ठीक है, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, सबसे पहले आप ये देख लो कि किस केस में लाई कर रहा है। अगर ये इस केस में लाई कर रहा है, ठीक, अगर वो इस केस में लाई कर रहा है तो उसका अपना मेथड होगा। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस केस में लाई कर रही है तो उसमें अलग मेथड होगा, ठीक है, सॉल्व करने का और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लाने का। अगर आपको ये सबसे पहले चेक करना होगा, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए किस केस में लाई कर रहा है, फिर उसी का मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो आइए इन दोनों केसेस पे एक एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई है इस फॉर्म में, वो कैसे रिड्यूस हो जाती है होमोजेनियस के फॉर्म में। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें तो ये पता ही है कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें केस देख लेना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस केस में लाई कर रहा है, केस वन में या केस टू में। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले केस चेक कर लेते हैं। आप रेशियो देखिए, एक्स के कोफिशियंट का रेशियो 1/2, उसी तरह वाई के कोफिशियंट का रेशियो 2/1, ये नॉट इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ, केस वन, जहाँ पर a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, यानी जो x के कोफिशियंट का रेशियो है वो तो 1/2 आ रहा है, लेकिन y के कोफिशियंट का जो रेशियो है वो 2/1 आ रहा है। तो यानी ये बराबर नहीं है, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो ये इस केस में लाई कर रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा होमोजीनियस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे हम x की जगह, स्मॉल x की जगह लिख लेते हैं कैपिटल x प्लस h, एंड स्मॉल y की जगह लिख लेते हैं कैपिटल y प्लस k, ठीक है। अब इसको जो है कैपिटल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी कैपिटल x इज इक्वल्स टू 1, एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर दो कैपिटल y के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई कैपिटल y इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कैपिटल x एंड डी स्मॉल y इज इक्वल्स टू डी कैपिटल y, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x इज इक्वल्स टू, x की जगह लिख सकते हैं ये वाला टर्म x प्लस h प्लस 2, और y की जगह, स्मॉल y की जगह ये वाला टर्म लिख सकते हैं y प्लस k, वो तो 3 है ये, -3 अपॉन x की जगह 2x प्लस h लिखते हैं, प्लस y की जगह लिख देंगे y प्लस k -3।
तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हम पाएंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू कैपिटल वाई प्लस एच प्लस टू के माइनस थ्री। उसी तरीके से नीचे हो जाएगा टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस टू एच प्लस के माइनस थ्री। तो आप देख रहे हो कि हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले टर्म एक तरफ कर लिए हैं और एच और के वाले टर्म एक तरफ कर लिए हैं। हमें करना क्या है कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है इसको ज़ीरो के बराबर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि h प्लस टू के माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टू एच प्लस के माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और h और k की ऐसी वैल्यू निकाल लो जो यहाँ पे पुट कर दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो टू एच प्लस टू के इज इक्वल्स टू थ्री और टू एच प्लस के इज इक्वल्स टू थ्री। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 2h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 6 और 2h ये इसको नीचे लिख लिया प्लस k इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3k आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा तो k की वैल्यू जो आई आपकी वो 1 आ गई। ठीक है, आपने देखा k की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या होगा, k की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब k की वैल्यू यहाँ पर रखो 1 पर, यहाँ पे 1 पे रखेंगे तो ये 2 होगा तो 3 माइनस 2 यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी 1, तो k की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये वाले टर्म तो 0 हो गए क्योंकि h और k की वैल्यू हमें पता लग गई वो कि 1 है तो यहाँ यहाँ रख दोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे अपने आप 0 हो जाएगा। तो बचेगा टर्म हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, जो बचा हुआ टर्म है वो बचेगा 2 कैपिटल वाई अपॉन 2 एक्स प्लस वाई। अब आप देख रहे हो कि ये होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप भूल रहे हैं होमोजीनियस फॉर्म कैसा होता था तो होमोजीनियस फॉर्म होता था जो जनरल फॉर्म होती थी होमोजीनियस की, जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन फाइ एक्स कॉमा वाई। तो ये उसी टर्म में आ गया, यानी न्यूमरेटर में भी x और y का टर्म, डिनोमिनेटर में भी x और y का टर्म और इन पे जो पावर्स है वो 1-1 है, इसलिए ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और y की जगह किया था y प्लस कैपिटल y प्लस k। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू h की वैल्यू रख दो तो कैपिटल x प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये होमोजीनियस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते थे होमोजीनियस फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करा देते थे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा आ जाता था x डी वी अपॉन डी एक्स, ये कुछ आ जाता था। अब इसमें रख देते हैं तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ पे कैपिटल x होगा डी एक्स। ठीक है, फिर आ जाएगा इधर x प्लस 2 वी एक्स ओवर 2 एक्स प्लस वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 वी ओवर 2 प्लस वी, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है,
ये आया, ठीक है। अब v को इधर ले आते हैं, तो x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b ओवर 2 प्लस v माइनस v। तो x dv ओवर dx विल बी, ये उधर जाएगा 1 प्लस 2b माइनस 2v प्लस माइनस v स्क्वायर ओवर 2 प्लस v, ठीक है। अब x dv ओवर dx ये बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 2 प्लस v। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 प्लस v ओवर 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx ओवर x, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं log c, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस v 1 प्लस v dv, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू log x, सॉरी log कैपिटल x प्लस log c, ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर इस 2 को अंदर ले जाएं, 2 को अंदर ले जाएं, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। और ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, अगर सब्सटीट्यूशन करें, t इज इक्वल्स टू, इसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करो, t इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर, तो dt हो जाएगा आपका, या इसको इधर ही देखते हैं, अगर इसका हम सब्सटीट्यूशन करें, t इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर, तो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 2 वी डी वी, तो माइनस डी टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वी डी वी, यानी वी डी वी की जगह माइनस डी टी अपॉन 2। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, तो माइनस साइन के साथ आएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 डी टी अपॉन t इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग c, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा log माइनस के साथ 1 माइनस v प्लस log 1 प्लस v, ठीक है। माइनस 1 बाय 2 log t हमने क्या रखा था, 1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब उस तरफ आ जाएगा log x प्लस log c। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आएगा log 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस 1 बाई 2 log 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा log, अब 2 को हर जगह मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 से सबको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये और ये 2 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा टर्म जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस में, तो लॉ की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये डिवीज़न में आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये लॉग और लॉग हट जाएगा, अब ये थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 प्लस वी की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस वी की होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ठीक है।
ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, ठीक है, यहाँ पे ये पूरे में स्क्वायर होगा। अगर मैं ये करूँ, अगर मैं आपको फिर से बताऊँ, ये लॉग कैंसिल हो गया, ये पूरे में स्क्वायर था, वन प्लस वी की होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वी वन प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। अब v की जगह हम क्या रखें, v की जगह हम रख सकते हैं y बाय एक्स, कैपिटल y बाय एक्स, ठीक है। अब v की जगह हमने कैपिटल y बाय एक्स रखा, v की जगह हमने कैपिटल y बाय एक्स रख दो, तो x प्लस ये हो जाएगा अपॉन, ठीक है, जहाँ पे y बाय एक्स रखा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब, सॉरी इसको हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। नीचे वाले को सॉल्व करोगे, यहाँ पर रखोगे y बाय एक्स, तो सॉल्व करोगे तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर है और c स्क्वायर है, तो अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये वाला पूरा टर्म चला जाएगा, ठीक है। बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये है कि एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये भी एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टर्म एक्स प्लस वाई और सी स्क्वायर के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ठीक है। अब जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स है, जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स है वहाँ वहाँ आपको रखना है वैल्यू, वहाँ वहाँ आपको वैल्यू रखनी है x माइनस वन, और कैपिटल y की जगह रखनी है y माइनस वन। बस x कैपिटल x की जगह ये वैल्यू रख दो, कैपिटल y की जगह ये वैल्यू रख दो, इन सब में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको टर्म को रीअरेंज करते हैं और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। इस टर्म को उधर ले आते हैं, तब क्या होगा, तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको उस फॉर्म में कर लिया, ठीक है। अब केस देख लेते हैं, किस केस में ये लाई कर रहा है। तो सबसे पहले x का जो रेशियो है, x का जो कोफिशियंट का जो रेशियो है, यहाँ पे क्या है, 2/4, ठीक है। अब y का जो कोफिशियंट है उसका रेशियो दोनों में 3/6, तो आप देख रहे हो दोनों बराबर है, दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये किस केस में लाई कर रहा है, केस टू में, जहाँ पर a अपॉन a डैश इज इक्वल्स टू b अपॉन b डैश था, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर अपॉन, अब यहाँ से टू कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि नीचे ये टर्म बन गया है और ऊपर भी सेम टर्म बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y कर लेंगे, ठीक है। अब आपने देखा ना कि यहाँ पे जब 2 कॉमन लिया तो ये टर्म सिमिलर हो गए, तो उसी टर्म को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से, तो t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। अब इसको डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बचेगा 2 प्लस 3 dy वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे इधर आएगा, तो 1/3 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा dt टी अपॉन डी एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक।
अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाला टर्म रखेंगे यहाँ पर, और इस टर्म की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, टी। आइए देखते हैं, 1/3 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे टी, टी प्लस 4 अपॉन 2t प्लस 5, 2t प्लस 5, ठीक है। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3t प्लस 12 अपॉन 2t प्लस 5। अब 2 को उधर ले जाते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3t प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो डी टी आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3t प्लस 12 प्लस 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 5। तो डी टी ओवर डी एक्स कितना आ गया, 7t प्लस 22 ओवर 2t प्लस 5। अब आप देख रहे हो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो 2t प्लस 5 ओवर 7t प्लस 22 इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करा दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस टर्म को। तो हम क्या करेंगे, 2t अपॉन 7t प्लस 22 dt, ठीक है, इस टर्म को अलग लिख लिया, 2t अपॉन 7t प्लस 22 dt प्लस 5 इंटीग्रेशन dt ओवर 7t प्लस 22 इज इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अपॉन 7 टी अपॉन टी प्लस 22 अपॉन 7 डी टी प्लस 5। यहाँ से भी 7 कॉमन ले लो, तो 5 अपॉन 7 इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म को देखो, 2 अपॉन 7 टी प्लस 22 अपॉन 7 माइनस 22 अपॉन 7 अपॉन टी प्लस 22 अपॉन 7, इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 5 अपॉन 7 लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 70 हो जाएगा माइनस 44 अपॉन 49 हो जाएगा, 49 इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी प्लस 22 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7 लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या ले सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 44 अपॉन 49 लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7, ठीक है, यहाँ बचेगा 5 अपॉन 7 लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7 कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ से log t प्लस 27 कॉमन ले लो, t अपॉन 27, तो ये बचेगा 2 अपॉन 7t प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 44 अपॉन 49, ठीक है, ये 7 होगा, ठीक है, ये बचेगा log t प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अच्छा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन 7 टी, ये बचेगा आपका 49 35 माइनस 44 लॉग टी प्लस 22 अपॉन 7
इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, 2/70 माइनस ये बचेगा 9/49 लॉग टी प्लस 22/7 एक्स प्लस सी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब पूरे टर्म को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 49 से, तो यहाँ बचेगा 14t माइनस 9 लॉग 7 सॉरी दिस विल बी टी प्लस 22/7 दिस विल बी 49x प्लस 49c। ओके नाउ अब यहाँ पे t पे हमने क्या रखा था, t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 14 2x प्लस 3y माइनस 9 लॉग 2x प्लस 3y प्लस 22/7 इज इक्वल्स टू 49x प्लस 49c। ठीक है अच्छा ठीक है अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 28x प्लस 42y ठीक है माइनस 9 लॉग 14x प्लस 21y प्लस 22 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, इसको थोड़ा ओपन करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर 9 लॉग 7 ठीक है ये बचेगा 49x प्लस 49c। अच्छा अब इस टर्म को उधर ले जाओ, 49x इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 21x प्लस 42y माइनस 9 लॉग 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 49c माइनस 9 लॉग 7। ठीक है ठीक है अब इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं c। ठीक है इस पूरे टर्म को जो राइट हैंड साइड पे है, इस टर्म को क्योंकि पूरा कांस्टेंट है तो इसको कैपिटल c मान लिया। अब क्या होगा, ठीक है अच्छा अब बचेगा माइनस 21x प्लस 42y माइनस 9 लॉग 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल्स टू सी। ठीक है अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 21x माइनस 42y प्लस 9 लॉग 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल्स टू सी डैश, तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।